लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सान्या जैन आपके साथ। अयोध्या नगर निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए काना गौशाला के तहत बनी गौशाला बेसिंग गांव में गौवंश को शीतलहर से बचाने के लिए जूट कोट पहनाने की शुरुआत कर दी है। नगर निगम अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बेसिंग गांव की गौशाला में गौवंश को जूट कोट पहनाए। ये जूट कोट की खासियत ये है कि डबल कोडेड जूट का बना हुआ है, जिसको कोट नुमा बनाकर गौवंशों को पहनाया जा रहा है, जिससे गौवंशों को ठंड से बचाया जा सकेगा। बेसिंग गांव की गौशाला में 1285 गौवंशों को रखा गया है। ये गौशाला काना गौशाला के तहत मॉडर्न गौशाला बनाया जा रहा है, जिसके लिए शासन ने 8.5 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिया है। गौशाला में गौवंश को ठंड से बचाने के लिए विभिन्न तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर छोटे बड़े गौवंशों के लिए अलग अलग आकार के जूट कोट बनाकर पहनाए जा रहे हैं। टीन शेड के नीचे गौवंश की बैठने की व्यवस्था की गई है। गौवंश को ठंड से बचाने के लिए विशेष तरीके के अलावों को भी नगर निगम ने बनवाया है, जिसको गौशाला में लगाया जाएगा। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तो गौवंश के व्रत उनका जो अनुराग है, ये कान्हा गौशाला के रूप में इस पे भी राज्य सरकार से 8.5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुआ है। हम नगर निगम से, हमारे पास 1285 गोवंश हैं, जिनको ये ठंड आ गई है, इनके लिए हमने जूट के कोट की व्यवस्था की है, अलाव की व्यवस्था की है, पुआल की व्यवस्था की है। जितने भी गोवंश हैं उस ठंड से उनको निजात मिले, इसकी पूरा प्रबंध किया गया है। जो गौशाला में जो गौवंश हैं उनको ठंड से बचने के लिए एक कोट की, तो जूट कोट की व्यवस्था की गई है। साथ ही जहाँ पे ये गौवंश बैठेंगे, क्या उसको ढकने के लिए पर्दे की व्यवस्था की गई है? वो आप देख रहे हैं, मैं गौशाला में ही इस समय हूँ। जितने भी हमारे ये शेड हैं उनको सब हम कवर्ड करेंगे, और ये हमारे टेंडर भी हो चुके हैं, जो काम चल रहे हैं वो तो अभी काम चलते रहेंगे। नीचे उनके बैठने के लिए पुआल मंगाया गया है, पुआल नीचे बिछाया जाएगा जिस पर वो बैठेंगे, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था की गई है। कितना पुनीत कार्य माना जाएगा गौ सेवा अगर देखा जाए, वो भी राम की नगरी में, और एक बड़ा संदेश है। देखिए, गौ को तो हम लोग माता मानते हैं, और हमारे यहाँ भोजन भी बनता है हमारे सनातन धर्म में, तो पहले गौ का अग्रासन निकलता है, उसके बाद लोग भोजन करते हैं, तो हम लोगों के लिए तो पूज्य है गौ। इस क्रम में हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।